एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो गाइज, आप लोग पूछ रहे थे कि छठ पूजा पर आपकी सेलिंग कैसी रही है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि छठ पूजा पर ना तो बहुत ज्यादा अच्छी सेलिंग हुई है, ना बहुत ज्यादा बुरी सेलिंग हुई है, ठीक ठाक सेलिंग हुई है। और काफी सारे लोग ये कह रहे थे जब मैंने आपके साथ छठ पूजा पर बिकने वाले सामान की लिस्ट शेयर की थी, तो काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर छठ पूजा नहीं मनाया जाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, और स्टेट्स में हो सकता है ना मनाया जाता हो, तो इस वजह से आपके यहाँ सेलिंग ना होती हो। बट मेरे यहाँ पर कॉलोनी एरिया है और यहाँ पर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बिहार के लोग भी काफी ज्यादा रहते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर सेलिंग होती है छठ पूजा की। तो इसलिए मैंने आपके साथ वो लिस्ट शेयर करी कि जहां जहां भी होती है तो आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि जो हमारी शॉप है उसको ग्रो करने के लिए खरीदारी कितनी ज्यादा मैटर करती है। तो खरीदारी जो है सबसे ज्यादा मैटर करती है शॉप ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से आप सामान खरीद नहीं पाएंगे तो आप सही रेट में उसे बेच भी नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप महंगा सामान लेके आएंगे अपनी शॉप में तो आपको महंगा ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्जिन भी चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सस्ता ही बेच दोगे कस्टमर को, तो आप मार्जिन कैसे कमा पाओगे। बट क्या होता है कि जब आपकी शॉप में कोई कस्टमर आता है और वो आपको क्या बोलता है कि उस शॉप पर तो इतना सस्ता बिक रहा है, आप इतना महंगा क्यों लगा रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। किसी भी दुकानदार को इस चीज से बुरा लगेगा। और अगर आपके साथ ये चीज हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। और ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है कि जब आप नई नई कॉस्मेटिक शॉप ओपन करते हो तब आप होलसेल मार्केट चले जाते हो और बिना कुछ समझे आप किसी भी शॉप में चले जाते हो, और वहां पर जब दुकानदार होता है, होलसेलर होता है, वो आपसे प्यार से बातें करता है तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं ये सही देगा, और आप वहां से सामान ले आते हो अपनी शॉप में। आप बिल्कुल भी रेट्स जो है दूसरी दुकानों से चेक नहीं करते हो कि वहां पर कितना बिक रहा है, यहां पर कितना बिक रहा है। बस आप होलसेलर की बातों में आकर, वो उसकी प्यार की बोली जो होती है वो सुनकर आप ले आते हैं। तो कोई भी दुकानदार, चाहे वो होलसेलर है चाहे वो हम हैं, हम अपने कस्टमर से प्यार से ही बात करेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि किसी और शॉप पे कस्टमर ना जाए, हमसे ही सामान ले। तो वही चीज होती है जब आप होलसेलर के पास जाते हो तो वो आपसे इतने प्यार से बात करता है कि आपको उससे ट्रस्ट हो जाता है और आप उसी शॉप से सामान लेके आ जाते हो, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करते हो दूसरी शॉप्स के साथ। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी होलसेल मार्केट में जाते हो तो आप मार्केट पहले एक्सप्लोर कीजिए। आप सिर्फ सामान लेने के उससे मत जाइए, आप सिर्फ मार्केट को घूमिए, अलग अलग दुकानें देखिए, जिससे कि क्या होगा, आप अलग अलग दुकानें जब देखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर महंगा सामान बिक रहा है, यहाँ पर सस्ता है, यहाँ पर एक रुपए महंगा है, यहाँ पर दो रुपए महंगा है, यहाँ पर एक रुपए सस्ता है। उससे क्या होगा, जब आपको जहां पर भी सस्ता दिखेगा आप वहां से सामान लेंगे, और वहां से जब आप अपनी शॉप में लेके आएंगे सामान तो कस्टमर को भी आप सही तरीके से बेच सकेंगे, सही प्राइस में बेच सकेंगे, तो इससे आपके कस्टमर भी बनने लगेंगे। तो खरीदारी करने का एक यही फॉर्मूला है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान लेके आइए अपनी शॉप में, और पूरी मार्केट घूमते हुए आपको जहां पर भी ठीक लगे, जैसे जहां पर रेट्स डाउन लगे, जहां पर वैरायटी अच्छी लगे, वहां से सामान लीजिए, तब आपकी शॉप ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अगर आप सही तरीके से खरीदारी करना सीख जाते हैं तो। और कई लोग ये पूछ रहे थे कि आप सप्लायर से सामान लेते हो, हम कैसे लें सप्लायर से सामान। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शॉप को काफी टाइम हो गया है, तो इस वजह से मैं सप्लायर से अब सामान ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे खरीदारी का एक एक्सपीरियंस हो गया है क्या चीजें किस रेट में बिकती हैं। तो जब मेरी शॉप में सप्लायर्स आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि प्राइजेस बताओ अपने प्रोडक्ट्स के। जब वो प्राइजेस बताते हैं, जब मुझे लगता है कि होलसेल मार्केट के साथ ये प्राइजेस मैच कर रहे हैं, तभी मैं लेती हूँ। अगर वो महंगा देते हैं, क्योंकि जो सप्लायर्स होते हैं वो महंगा देते हैं, अगर एक डेढ़ रुपए का फर्क होता है तब तो मैं उनसे ले लेती हूँ, बट अगर वो कहते हैं कि पांच रुपए महंगा है, छह रुपए महंगा है, तो मैं नहीं लेती हूँ उनसे, सप्लायर से बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ सामान। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, जब आपकी शॉप पुरानी हो जाए तभी आप सप्लायर से सामान लीजिए, वरना नहीं लीजिए, क्योंकि क्या होगा कि आपको नई नई शॉप देख के वो आपको महंगा सामान दे जाएंगे, उसके बाद आप पछताएंगे कि इतना महंगा सामान मैं अपनी शॉप में क्यों रख लिया है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है सप्लायर से सामान लेते हुए। तो हर जगह सप्लायर्स भी नहीं होते हैं, कई कई जगह होते हैं, कई जगह नहीं आते हैं, बट कॉलोनी एरिया, सिटी एरिया में तो सप्लायर घूमते रहते हैं। तो मैं ऐसे नहीं, बहुत सारे मेरी शॉप में लगभग 10-12 सप्लायर्स आते रहते हैं, जैसे कि आप हमसे ये ले लीजिए, हमसे ये ले लीजिए, बट मुझे जहां ठीक लगता है, जो ठीक लगता है सप्लायर, उसी से सामान लेती हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं किसी से भी ले लेती हूँ। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नकली असली का पहचान आपको करनी पड़ेगी कि नकली प्रोडक्ट तो नहीं देके जा रहा है कोई सप्लायर। अगर आपकी शॉप में सप्लायर आते भी हैं, सामान देते भी हैं, तो आप नकली असली जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप नकली प्रोडक्ट्स अपनी शॉप में रख लेंगे और कस्टमर के पास अगर वो प्रोडक्ट चला गया तो आपकी शॉप की बदनामी भी हो सकती है इस चीज से। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और नकली असली का पता कराने के लिए आजकल फोन में स्कैनर्स आ रहे हैं और बारकोड होते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आप स्कैन करके आप देख लीजिए कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है, उससे पता चल जाता है। तो आप लोग इन चीजों का आप ध्यान रखिए, खरीदारी अच्छे से करेंगे तो आपकी शॉप डेफिनेटली ग्रो होगी, और एरिया के अकॉर्डिंग सामान रखेंगे अपनी शॉप में तो डेफिनेटली आपकी शॉप को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।